हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, पिछले क्लास में हमने सीखा का से लेके ना तक के व्यंजन। आइए आज हम सीखेंगे प से लेके ज्ञा तक के व्यंजन। चलिए तो शुरू करते हैं हम। प प प से पतंग, प से पतंग। फ फ, फ से फल, फ से फल। ब, ब से बतख, ब से बतख। बच्चों, इंग्लिश में बतख को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, डक। भ, भ से भालू, भ से भालू। म, म से मछली, म से मछली। य, य से यज्ञ, य से यज्ञ। र, र से रस्सी, र से रस्सी। ल, ल से लट्टू, ल से लट्टू। व, व से वीणा, व से वीणा। श, श से शलजम, श से शलजम। क्ष, क्ष से षटकोण, क्ष से षटकोण। स, स से सूरज, स से सूरज। ह, ह से हाथी, ह से हाथी। क्ष, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय। त्र, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। तो बच्चों, आपने से देखा व्यंजन प से लेके ज्ञा तक। एक और बार हम इस व्यंजन को का से लेके एक और बार दोहरा देते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ढ, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, भ, भ, म। य, र, ल, व, श। क्ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। तो बच्चों, ये थे व्यंजन। चलिए बच्चों, आपने सीखा स्वर और व्यंजन। तो आज हम एक अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना इसका ज्ञान हुआ है। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ अक्षरों को चित्र के साथ लिखा है। आपको इनमें से सही अक्षरों पर गोला लगाना है। तो आइए देखें, ये क्या चित्र है बच्चों, इसे पहचाना? यस, मीठे मीठे रसीले आम। तो आम किस अक्षर से शुरू होता है बच्चों? बिल्कुल सही, बड़ा आ। चलिए, ये क्या है बच्चों? ये है हाथी। हाथी किस अक्षर से शुरू होता है? सही कहा बच्चों, ह। हाथी शुरू होता है ह से। ये क्या है? गमला। गमला किससे शुरू होता है? ग से। वेरी गुड, ग। ये क्या है? टमाटर। टमाटर किससे शुरू होता है? ट से। वेरी गुड। तो आपको तो स्वर और व्यंजन बिल्कुल ठीक ठाक आ गया है। तो चलिए बच्चों, हम अब आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने व्यंजन और स्वरों को
मिक्स करके लिख दिया है, तो आपको स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखना है। यहाँ स्वर आप लिखेंगे और यहाँ पर व्यंजन, तो आप इसमें से स्वर को ढूंढ के निकालेंगे कौन से स्वर होते हैं और कौन से व्यंजन होते हैं। तो आप ये काम करेंगे और हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप सुरक्षित रहिए और खेलिए और पढ़ाई भी करिए। बाय बाय।